रफीनिया लेफ्ट फुटेड राइट फॉरवर्ड है। लीड्स में हमने रफीनिया को देखा है राइट हैंड साइड पे खेलते हुए। बार्सा में आने के बाद रफीनिया का जो रोल होगा वो राइट विंगर का होगा। जावी ने पिछले सीजन में 4-3-3 सिस्टम खिलाई थी, तो जो रफीनिया का रोल होगा वो बार्सा के इस सिस्टम में राइट विंगर का होगा। अगर बार्सा को फुलबैक का इश्यू रहता है तो जावी 3-4-3 सिस्टम भी खिला सकता है। बार्सा ने अभी तक एक भी फुलबैक को साइन नहीं किया। अगर इस ट्रांसफर विंडो में बार्सा एक भी फुलबैक को साइन नहीं करती तो जॉर्डी अल्बा और सर्जिनियो डेस्टी पॉसिबली बार्सा के लिए राइट बैक और फुलबैक के ऑप्शन के रूप में रहेंगे। अभी तक बहुत सारे रूमर आ रहे हैं लेफ्ट बैक और राइट बैक के लिए, बट अभी तक बार्सा ने एक भी साइन नहीं की। बात करें रफीनिया के, तो रफीनिया क्या कर सकता है और जावी डेम्बेले की जगह पर रफीनिया को क्यों खिला सकता है। डेम्बेले ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल कर लिया है, तो बार्सा के पास पॉसिबली राइट विंग पे दो ऑप्शन बन जाते हैं, रफीनिया और डेम्बेले। बार्सा के पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं राइट विंग पे खेलने के लिए, तो इसके लिए हम चलते हैं रफीनिया के लीड्स की स्पेल की और बीएलसीआई की लिस्ट में। जो दोनों विंगर होते थे वो काफ़ी चैनल में काफ़ी वाइड खेलते थे, ऑलमोस्ट टच लाइन के करीब। अगर ओपोनेंट्स बैक फोर में डिफेंड कर रही है तो विंगर 1v1 हो गए वाइड चैनल में। विंगर के काफ़ी वाइड खेलने से जो लेफ्ट बैक और राइट बैक होते हैं वो वाइड रैक होते थे हो जाते हैं, और जो राइट बैक और सेंटर बैक है उसके उन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस बन जाती है, और जो सेंटर मिडफील्डर होते हैं वो रेडी होते थे उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि जो राइट बैक और लेफ्ट बैक है वो वाइड रैक हो जाते थे लेफ्ट विंगर और राइट विंगर को कवर करने के लिए, और सेंटर बैक और जो फुल बैक होते हैं उसके बीच में स्पेस बन जाती थी। रफीनिया एक्सीलेंट ड्रिबलर है, उसके पास स्किल है, और एक ब्राजीलियन विंगर से हम ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। रफीनिया 1v1 सिचुएशन में किसी भी प्लेयर को आसानी से बीट कर सकता है। लीड्स में रफीनिया के रोल के बारे में बात करें तो लीड्स में रफीनिया ट्रेडिशनली विंगर के रोल में खेलता था। विद द बॉल रफीनिया कट इन करके थ्रू बॉल्स निकालता था सेंटर फॉरवर्ड के लिए, या फिर जो उसका स्ट्रॉन्ग फुट है लेफ्ट फुट उससे आउटसाइड ऑफ द पेनल्टी बॉक्स से वो शॉट्स ले सकता है। और दूसरी चीज़ की बात करें तो रफीनिया के पास स्पेस है, तो वो 1v1 सिचुएशन में फुटबैक को बीट करके बायलाइन से क्रॉसेस दे सकता है नंबर 9 को, क्योंकि बार्सा के पास अभी अच्छा स्ट्राइकर आ गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और रफीनिया के बीच में अच्छा लिंकअप हो। एक और चीज़ की बात करें तो रफीनिया लिंकअप प्ले में बहुत अच्छा है। लिस्ट में रफीनिया जब खेलता था तब चैनल में ड्रॉप इन करके जो वाइट प्लेयर्स होते हैं उसके साथ बहुत अच्छी तरह से लिंकअप प्ले करता था। तो रफीनिया जब चैनल में ड्रॉप इन करेगा तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट बैक होगा वो उसे कवर करने के लिए आगे आएगा। तो रफीनिया के पास पेस बहुत है और वो 1v1 सिचुएशन में किसी भी प्लेयर को ट्रिपल पास कर सकता है। तो जब राइट बैक और सेंटर मिडफील्डर के बीच में 1-2s हो गए तो रफीनिया इजीली लेफ्ट बैक को बीट कर सकता है, क्योंकि उसके पास पेस बहुत है और वो फिर डाउन द लाइन जाके बाई लाइन से क्रॉसिस दे सकता है नंबर 9 को, या फिर जब वो लेफ्ट बैक को बीट करेगा तब वो कट इन करके आउटसाइड ऑफ द पेनल्टी बॉक्स से शॉट ले सकता है, या फिर नंबर 9 के साथ लिंकअप प्ले कर सकता है। रफीनिया से हम डिफेंसिवली भी कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएलसीआई के सिस्टम में सभी प्लेयर्स डिफेंसिवली कंट्रीब्यूशन देते हैं। बीएलसीआई के अंडर खेलने के बाद रफीनिया डिफेंसिवली भी सॉलिडिटी देगा बार्सा को।